evening, students. So we are going to talk about the fourth colligative property, that is osmotic pressure, right? So before we delve into this, let's first understand what is this word osmosis. Okay, osmosis. ठीक है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक अ ट्रफ, एक बर्तन ले लेते हैं. व्हाट इज अ ट्रफ? खुले मुंह वाले बर्तन को ट्रफ कहते हैं. एंड लेट्स फिल सम क्लीन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इन दिस. ठीक है, और इसके अंदर हम एक किशमिश रख देते हैं. ठीक है, सो दिस इज वाटर, और इसके अंदर हमने एक रेजिन, एक किशमिश रख दी. ठीक है, एंड वी लीव इट फॉर सम टाइम. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यस, सोच लिया आपने? ओके, सो क्या देखोगे आप थोड़ी देर में? ये जो किशमिश है ये ऐसे फूल जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. और एग्जांपल देखते हैं. So, ये एक फिश है. ठीक है, कौन सी फिश है? सॉल्ट वाटर, सी वाटर, दैट इज मरीन वाटर से मैं एक फिश को लाती हूं और मैं उसको, मैंने क्या किया, समुद्र के पानी से, समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है. उस फिश को मैंने लाके नदी के पानी में छोड़ दिया, दैट्स फ्रेश वाटर. उसमें क्या होता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है. ठीक है, उसमें छोड़ दिया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं. सो आई टेक अ जार. ठीक है, इसमें मैं मैंगो के कुछ टुकड़े काट के रखती हूँ. ठीक है, एंड आई पुट सम सॉल्ट. इसमें मैं नमक डाल देती हूँ. ठीक है, राइट, ओके. नंबर फोर, मैं कुछ फ्रूट्स के टुकड़े लेती हूँ. ठीक है, लेट्स टेक स्ट्रॉबेरी. ठीक है, और इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट, शुगर डाल देती हूँ. ठीक है, इसमें मैंने डाला सॉल्ट. ठीक है, सो लेट्स लुक एट ईच एग्जांपल. पहले केस में क्या हुआ था, जैसे मैंने किशमिश को प्लेन वाटर में डाला था, किशमिश फूल गई थी, राइट. दूसरे केस में क्या हुआ था, दूसरे केस में मैंने समुद्र से फिश उठाई, उसके अंदर कौन सा पानी था, सॉल्टी वाटर, और उसको मैंने नदी के पानी में, ठीक है, फ्रेश वाटर में डाल दिया. ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन थी हाई और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन थी लो. सो वॉट इज गोइंग टू हैपन, ये जो फिश है ये बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है. ठीक है, यहाँ पे किशमिश फूल जाती है. सो इन दोनों केसेस में क्या हुआ, दिस वाज लो कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ये प्लेन वाटर था एंड इसके अंदर चीनी थी, दिस वाज हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुआ है, राइट. अब आते हैं इन दो एग्जांपल्स पे. इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हमने जैसे ही जब हम आम का अचार डालते हैं, आपकी मम्मा उसमें बहुत सारा नमक डाल देती है. सो व्हाट हैपेंस, सॉल्ट इज व्हाट, सॉल्ट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो व्हाट हैपेंस, जो मैंगो है उसमें से सारा पानी जो है वो बाहर मूव कर जाता है और मैंगो जो है वो श्रिवल कर जाता है. ठीक है,
तो इससे क्या होता है, जब उससे पानी बाहर मूव हो जाता है, एक वो सॉफ्ट हो जाता है ठीक है, और दूसरा उसका सारा पानी निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता। तो सॉल्ट इज हेल्पिंग इन ऑस्मोसिस एंड सॉल्ट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी, मैंगो में, और हाई कहाँ थी, सॉल्ट में। तो पानी मैंगो से निकल के बाहर चला गया। ठीक है, सो अगेन लो टू हाई, यहाँ भी लो टू हाई था और यहाँ भी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन था। अब आते हैं इधर, इस केस में कैन यू सी देयर इज अ जार जिसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है, और उनके आसपास मैंने काफी सारी उसके अंदर चीनी डाल दी। ठीक है, तो जब चीनी डाली तो अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो फ्रूट्स का सारा पानी जो है वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, अगेन लो टू हाई, एंड दिस इज हाउ योर जैम्स वगैरह जेलीज बनाई जाती हैं। ठीक है, सो अगेन लो टू हाई, सो ऑल दीज फोर आर एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो पहली चीज ऑस्मोसिस में क्या है, देर इज अ मूवमेंट। ठीक है, सो देर इज अ मूवमेंट, किस चीज की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, पानी की मूवमेंट हो रही है। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगेन सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, अब ये मूवमेंट कैसे हो रही है, नाउ व्हाई इज इट कि सब कुछ बाहर क्यों नहीं मूव कर जाता, क्योंकि यहाँ पे ये जो किशमिश की छिलका है, जो इसकी कवरिंग है, वो एक मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। यहाँ पे फिश की जो स्किन है, यहाँ पे जो फ्रूट्स की स्किन है, और यहाँ पे जो मैंगो की स्किन है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीज जिसमें से इतने उसमें छोटे होल्स हैं कि सॉल्वेंट मूव कर सकता है बट उसमें से सॉल्यूट नहीं मूव कर सकता। ठीक है, सो जिसमें से लिमिटेड एक्सेस हो चीजों के अंदर बाहर जाने का, उस तरह की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो लेट्स ऐड टू दिस डेफिनेशन, सो ऑस्मोसिस क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल membrane। क्लियर है आपको? ओके, सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की शॉर्ट फॉर्म आप काफी बुक्स में देखोगे SPM लिखा होता है, दिस मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि इसके पोर्स का साइज इतना होता है कि उसमें से सब कुछ नहीं मूव कर सकता, सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सकता है। ठीक है, राइट, कुछ एग्जांपल्स जैसे एनिमल स्किन is an example of semi-permeable membrane. Then you have parchment paper. ठीक है, then you have cellophane sheet. ठीक है, artificial membrane Cu2FeCN6. This is cupric ferro cyanide. This is an artificial semi-permeable membrane. आपके NCERTs में भी दिया हुआ है, boards में question आया हुआ है. ठीक है, so quickly take a screenshot of this कि what is osmosis. ठीक है, ले लिया आपने? Okay. अब हम यहाँ पे कुछ चीजों को बोर्ड में रहने देते हैं और इन डेप्थ समझते हैं हम। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है, ठीक है, दो तरह के होते हैं, यू हैव एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस।
डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मीडियम कि मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है. ठीक है, लेट्स टेक अ केस. लेट्स से वी आर स्टडिंग दिस सेल. ठीक है, और ये हमारा मीडियम है. ठीक है, अब ये मीडियम जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, सो मीडियम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. आई एम रिपीटिंग, लेट्स से कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू मीडियम ज्यादा है. दैट मीन्स मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू द सेल. सो दिस काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, ये जो मीडियम में सोल्यूशन है, इट विल बी कॉल्ड हाइपर. हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक सोल्यूशन. अगर मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द बॉडी और द सब्सटेंस और द सेल दैट यू आर स्टडिंग, देन दिस काइंड ऑफ अ मीडियम इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से इफ दिस इज 1 mL एंड दिस इज ऑल्सो 1 mL, सो द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, सो वॉट इज गोइंग टू बी देयर, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड आइसो. आइसो मीन्स सेम टॉनिक कॉन्सेंट्रेशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन, आइसोटॉनिक सोल्यूशन. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इन तीनों केसेस में सेल की जो मेम्ब्रेन है, यू ऑल नो इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहां पे मूवमेंट कैसे होगी, लो टू हाई. ठीक है, सो अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, तो समथिंग इज एग्जिटिंग. एग्जिटिंग मतलब बाहर जाना, तो यहां पे क्या होएगा, एग्जॉस्मोसिस. ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, लो बाहर की तरफ है, लो से हाई, यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है तो एंटर कर रहा है. दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस. यहां पे मूवमेंट नहीं होएगी, सेम कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, सो अगर आप किसी चीज को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है, एग्जॉस्मोसिस. अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है, एंडोस्मोसिस. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लेट्स टेक दिस फर्दर. दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पेपर में. आई एम गोइंग टू राइट दोस टू क्वेश्चंस. वन इज व्हाई पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर should have low salt diet. ठीक है, and number two, what is reverse osmosis. ठीक है, so पहला question कि जिन लोगों का blood pressure या BP ज्यादा होता है उनको doctor advise करता है कि आपको कम नमक खाना चाहिए. ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ ब्लड वेसल. ठीक है, ये हमने एक आपकी आर्टरी ले ली जिसके अंदर खून बह रहा है. ठीक है, खून का जो 55% हिस्सा है दैट इज प्लाज्मा, इट्स अ वाटर लाइक लिक्विड विच अगेन इज 92% वाटर, और 45% हिस्सा जो है वो क्या है, ब्लड सेल्स है. ठीक है, so let's say
ये आपका एक आरबीसी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा नमक खाओगे तो क्या होएगा, आपका ये जो प्लाज्मा है, दिस इज प्लाज्मा, ठीक है, और ये आपके ब्लड सेल्स हैं। तो ये जो प्लाज्मा है इसमें नमक ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द फ्लूइड इन द सेल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका सेल है उसमें से सारा जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जो आपका यही वाला आरबीसी है ये कैसा दिखेगा, अब ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से सारा फ्लूइड प्लाज्मा में चला गया। और क्यों चला गया, क्योंकि आपने ज्यादा नमक खाया तो आपके प्लाज्मा में ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस हो गया, सारा पानी जो था सेल का बाहर निकल गया, सेल सिकुड़ गया, सिकुड़ गया तो क्या होएगा, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो गई, ठीक है। अब स्पेसिफिकली और क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं, ठीक है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी उनका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है, तो जब इसमें से भी फ्लूइड निकल के ब्लड वेसल में आ गया, ठीक है, तो यहाँ जो था फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, तो अब क्या होएगा, तो ये जो आपकी नसें हैं या जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है उस पे और ज्यादा उनकी वॉल्स पे जोर पड़ेगा, क्योंकि सेल का फ्लूइड भी बाहर आ गया। सो योर ब्लड प्रेशर विल फर्दर इंक्रीज। सो दो नुकसान हो जाएंगे, एक तो आपका आरबीसी खराब हो गया, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग या CO2 कैरिंग या यूरिया कैरिंग कैपेसिटी, कोई भी चीज को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। और दूसरी चीज, ये सारा फ्लूइड मूव करके कहाँ आ गया, आपके ब्लड वेसल्स में आ गया, जो ऑलरेडी बहुत बारीक होती हैं, तो उनपे बहुत जोर पड़ता है और फर्दर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो लोगों को हाई बीपी है उनको ज्यादा एक्सेस ऑफ सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सो दैट आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, हम एक ट्रफ ले लेते हैं और उसमें हमने प्लेन वाटर डाल दिया, बीच में हमने एक फनल, उसका एक एंड किससे बंद कर दिया है, पार्चमेंट पेपर से। सो आई हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हेयर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक है। सो अगेन व्हाट हैव आई डन, आई हैव टेकन अ ट्रफ, उसमें मैंने प्लेन वाटर डाला है, ठीक है, फिल्टर्ड वाटर, और मैंने एक फनल ले ली जिसके अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। सो ऑब्वियस रीजन क्या होएगा, दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, आई हैव अ SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वाटर इज गोइंग टू फ्लो इनसाइड द फनल, एंड इससे क्या होएगा, द लेवल ऑफ वाटर विल राइज इन द फनल, और उसके बाद क्या ये पानी बाहर आ जाएगा, नहीं, ये पानी बाहर नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद इसका जो लेवल है वो स्टैटिक हो जाएगा, इसका लेवल जो है राइज होना रुक जाएगा। ऐसा क्यों है, ओके, सो एक तो ऑस्मोसिस की वजह से इसमें पानी भर रहा था, ठीक है, बट क्या हुआ, कैन यू सी, यहाँ पे जो वाटर कॉलम है, ये जो पानी है इसका हाइट बढ़ गया, ठीक है, and you know pressure exerted by the liquids is h rho g, so it is dependent on the depth, so jaise jaise is water column ka height ya iski depth badhti ja rahi hai to is membrane pe bhi jo pressure lag raha hai pani ka dabav hai wo badhta ja raha hai, theek hai, so there are two forces
फोर्सेस एक्टिंग, एक तो यहाँ से ऑस्मोसिस हो रहा है तो सॉल्वेंट जो है मेम्ब्रेन पर दबाव डाल रहा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से पानी जो है मेम्ब्रेन पे दबाव डाल रहा है, ठीक है, राइट। सो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो पानी का प्रेशर है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जो सॉल्वेंट का प्रेशर है वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सो उस समय व्हाट हैपेंस, देयर इज अ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉटर कॉलम इज इक्वल टू द सॉल्वेंट प्रेशर, ठीक है, ये दोनों ऐसे बराबर हो गए, ठीक है, राइट। तो इस समय आपका मूवमेंट ऑफ वॉटर रुक जाता है, ठीक है। नाउ इफ आई हैव अ पिस्टन हेयर, अगर मेरे पास एक यहाँ पे पिस्टन हो, ठीक है, राइट, और मैं उस पिस्टन से नीचे की तरफ प्रेशर लगाऊंगी, ठीक है, मैं पिस्टन से ऐसे करके उसको दबाऊंगी, तो क्या होएगा, यहाँ से पानी उल्टी डायरेक्शन में जो आपका सोल्यूशन है उससे निकल के कहाँ चले जाएगा, सॉल्वेंट में, ठीक है। जो आपका सोल्यूशन है इसमें से जितना भी सॉल्वेंट है वो निकल के कहाँ मूव होना शुरू हो जाएगा, आपके मीडियम में, ठीक है, बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, मतलब उल्टा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज दैट प्रेशर व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, ठीक है, क्या करता है, इट स्टॉप्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो बेयर मिनिमम प्रेशर जो हम सॉल्यूशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे लगाते हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, और न्यूमेरिकली किसके बराबर हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू 3.14 नहीं होती यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय पाई, पाई इज डिनोटिंग हियर ऑस्मोटिक प्रेशर, जस्ट अ टर्मिनोलॉजी हियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि कितना प्रेशर मैं इस साइड से सॉल्यूशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ लगाऊं कि मेरा ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक है, और टेक्निकली या मैथमेटिकली किसके बराबर हो गया, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। और अगर मैं प्रेशर लगा दूंगी, इफ आई अप्लाई प्रेशर मेरा ऑस्मोसिस रुक गया, यहाँ पे लेवल रुक गया पानी का, अब अगर मैं एक ऐसा प्रेशर लगाऊं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, सो इफ आई टेक अ पिस्टन, यहाँ पे पानी का लेवल रुक गया था, मैंने प्रेशर लगाया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, फिर क्या होएगा, फिर उल्टा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतना दबाव पड़ गया कि पानी हाई से लो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ग्रेट। सो नाउ व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन व्हेन प्रेशर greater than osmotic pressure is applied on the solution side या high concentration side, ठीक है, so that is reverse osmosis, clear, इसको फटाफट take a screenshot, ठीक है, सो मैं क्विकली ये डेफिनेशन लिख देती हूँ, एप्लीकेशन लिख देती हूँ। सो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोसिस
osmotic pressure is applied on the semi-permeable membrane from the high concentration side. ठीक है? So now let's take an application. जब हम पानी में से नमक अलग करते हैं, so very important application is desalination of water. Saline क्या होता है? एक बड़ा important question है, आपके NDA में भी आया हुआ है. Saline is water plus salt. Salt solution को saline कहते हैं, इसको brine भी कहते हैं. तो जो sea water है, जब हम उसको जिस पानी में नमक ज्यादा है, जब हम उसको पीने के लिए फिट बनाना चाहते हैं, हमें क्या करना है? हमें उसका salt remove करना है. So how do you remove salt? That is known as desalination of water. और इसके लिए reverse osmosis use किया जाता है. कैसे किया जाता है? एक बहुत बड़ा सा tank लिया जाता है. उसके बीच में यहाँ पे एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फिक्स की जाती है. एक तरफ डाला जाता है फ्रेश वाटर और दूसरी तरफ डाला जाता है सलाइन वाटर या सॉल्टी वाटर. ठीक है, जब हमने एक ऐसा सिनेरियो ले लिया तो यहाँ पे क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे क्या है हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वाटर इज गोइंग टू मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. पर आप ऐसा चाहते नहीं हो, ये तो और नमक वाला पानी हो गया, तो आप क्या करोगे? आपने यहाँ पे एक लगा दिया पिस्टन, ठीक है, और आपने यहाँ पे अप्लाई करा प्रेशर विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जब आप यहाँ से प्रेशर लगाते हो, दबाव डालते हो जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, so what is going to happen? ये जो solvent है इस semi-permeable membrane पे दबाव डालेगा और उल्टा काम शुरू हो जाएगा. तो यहाँ से plain pure water that is the solvent is going to move towards the low concentration side. तो यहाँ पे पानी जो है वो high से low में move कर जाएगा, इस side आ जाएगा. तो फ्रेश वाटर आप कलेक्ट करते जा सकते हो और यहाँ पे नमक बच जाएगा. तो यहाँ पे एक पाइप से लगी होती है, आउटलेट होता है, ठीक है, यहाँ से फ्रेश वाटर को निकालते जाते हैं और यहाँ पे सॉल्ट इकट्ठा होता जाता है. ठीक है, सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग इन डीसैलिनेशन, एक टैंक लिया, बीच में SPM लगा दिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज सॉल्टी वाटर वाले साइड से हमने प्रेशर लगाया विच वॉज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो क्या हुआ, इस मेम्ब्रेन पे दबाव पड़ा और उल्टी डायरेक्शन में पानी मूव करना शुरू हो गया, हाई से लो पे. ठीक है, सो दिस कम्प्लीट्स योर रिवर्स ऑस्मोसिस. द लास्ट टॉपिक इन दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. क्विकली उसको देख लेते हैं. So we just talked about osmotic pressure. Osmotic pressure को denote कैसे किया जाता है? It is denoted by pi. ठीक है? So pi is directly proportional to C. यहाँ C क्या है? Concentration. That is the molarity of the solution. और pi is directly proportional to T and pi. T is what? T is temperature. ठीक है, so pi is proportional to, और सीधा equals पे आ जाते हैं, is equals to C R T, where R is your gas constant. ठीक है, right? आपने 11 में भी पढ़ा हुआ है gas constant. Further यहाँ पे देखो C that is your molarity. Molarity का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अब आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट.
ठीक है. सो व्हाट इज एन डब्ल्यू ओवर एम, किसका, सॉल्यूट का, एंड वी इज वॉल्यूम. आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज मोलैरिटी, डब्ल्यू ओवर एम वी. ठीक है, तो इधर डाल दो. आर टी, ठीक है. सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, डब्ल्यू बी आर टी ओवर एम बी वी. ठीक है, सो मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी. क्लियर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर. So here we will end this video. In the next video we are going to talk about association and dissociation. Meanwhile मैं आपको WhatsApp पे question numbers डाल रही हूँ NCERT के, जो मैंने आपको कराए भी हुए हैं numericals. Just make sure you have done them in your registers. अगर उसमें कोई doubt है तो let me know. I will clear your doubt with the help of the videos. And post that we will move forward with the numericals of colligative properties. Thank you.